Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Data Education के Hypertext Markup Language video tutorial में खुशामदीद. आज से हम एक नई series शुरू करेंगे and that was HTML for the website creation. HTML. आप लोग Hypertext Markup Language is the application of Hypertext Markup Language and is the most widely used language to the writer. आप जो मर्जी नाम सुन लें CGI, ASP.NET, PHP, whatever. लेकिन वेबसाइट में जो वेब में के अंदर चलेगी वो HTML होगी. बाकी सारी लैंग्वेजेस का काम उस लैंग्वेज को मैनिपुलेट करके HTML में तब्दील करें. वेब ब्राउजर ओनली अंडरस्टैंड वन लैंग्वेज एंड दैट इज HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. आपको ये नहीं आती तो आप वेब की इंफॉर्मेशन में एंटर नहीं हो सकते. आपको हर पेज वेबसाइट बनाने के लिए HTML में लिखना होगा. Hypertext refers to the way which web pages are linked together. अब वो मुख्तलिफ किस्म के web pages को आपने कैसे link करना है ये hyper का काम. As its name suggests, HTML is a markup language which means you use HTML to simply markup. Markup वैसे क्या होता है? अगर आप पहले कागज पे लिख रहे होते थे my name is फला फला, तो जब किसी चीज को हमने करना होता था तो हमने highlight कर लेते थे. That is markup. आप underline जिस चीज को करते थे वो क्या कहलाती थी? Markup. और इसी तरह से इस चीज के लिए भी web browser how to structure it, वो पढ़ता है, उसको read करता है कि इसको मैंने कैसे mark करना है. यानी मैं जो ये मेरे पास आगे syntax लिखा आ रहा है उसको मैंने कैसे समझना है. Originally इसकी जरूरत क्यों पेश आई, language की जरूरत क्यों पेश आई? ताकि computer can understand it, you can understand it. आप भी समझ सकें और computer भी समझ सकें कि आप क्या चाह रहे हैं. Originally, HTML was developed with the intent of defining the structure of document like heading, paragraph, list, so forth to facilitate the sharing of scientific information between researchers. और शुरू में ये सिर्फ इसलिए थी ताकि आपस में जो साइंटिस्ट हैं दुनिया भर में बैठे हुए हैं वो आपस में एक दूसरे से अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर लें. उस वक्त ये तसव्वुर नहीं था कि आप लोग फेसबुक पे करेंगे, ट्विटर पे आएंगे, ये चीज होगी. Now HTML is being widely used to format web page. और इसका एक डिजाइन है, मैं आपके लिए, आप लोग notepad ओपन कर लीजिए. अगर notepad plus plus आप लोगों के पास हो तो वो ज्यादा बेहतर है. इसके बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, Dreamweaver है, HTML editors हैं, इसकी बहस ही नहीं हो रही ना. मैं आपको HTML पे editors पे लेके जा रहा हूं. मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि अगर आप याद रखें, आप यहां से अल्लाह करे आप लोग बाहर के मुल्क में चले जाएं, अच्छी जिंदगी गुजारे, वहां पे आप डेवलपर बने, क्योंकि हमें ज्यादातर आप दुनिया को वेब डेवलपर की जरूरत है क्योंकि हर चीज वेब पे मुंतकिल होनी, हमारा कंसर्न क्या है. लेकिन एक चीज याद रखें, बाहर के मुल्कों में जो भी सॉफ्टवेयर होता है उसकी कीमत होती है. आप पाकिस्तान में पायरेशन यूज कर सकते हैं, बाहर के कंट्री में आप पायरेटेड सॉफ्टवेयर नहीं यूज कर सकते. यू शुड बी बैन, क्योंकि ये जो काम हम कर रहे हैं इसके पीछे ह्यूमन बहुत एफर्ट है. 10-10 साल लग जाते हैं लोगों को प्रोग्रामर बनने के लिए, जिसका एक आपने सिस्टम दिया और आप किसी की मेहनत को चोरी कर लें, ये अमेरिकन और बाकी कंट्रीज में पॉसिबल नहीं. और जो सॉफ्टवेयर आपके पास फ्री है उनमें से सबसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर नोटपैड प्लस प्लस है. आपके पास ये हो और आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं. याद रखें कि जो चीज भी आप लिखेंगे इट्स नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज. HTML इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज. इसका मतलब ये है कि HTML आप बड़े में लिखें, छोटे में लिखें, बड़ा छोटा करके लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता. और इसका स्टार्टिंग और इसका एंडिंग पॉइंट लेस देन के साइन है. जो चीज भी आपके लेस देन और ग्रेटर देन के साइन के दरमियान होगी उसको हम टैग कहते हैं. ये स्ट्रक्चर है. इसको मैं आई थॉट के मैं इसको जूम कर सकता हूं. ठीक है, मैं बोल भी रहा हूं साथ में. HTML के बाद अगला जो है आपके पास हेड है. आपकी जो भी इंफॉर्मेशन, आपके जैसे ये पेज का नाम आना, टाइटल आना, जैसे बीबीसी ऊपर आ जाता है, वो आपने यहां लिखना है. अच्छा, एक बात याद रखनी कि जो आपने टैग ओपन करना है उसको क्लोज करने का तरीका बैक स्लैश देके वही वाला टैग आपने देना है. HTML हेड, हेड के अंदर आपने देना है टाइटल. फॉर एग्जाम्पल डार एजुकेशन. जैसे अभी वैसे मैं आपकी अपनी अपनी साइट चाहता हूं कि आप लोग अपनी अपनी साइट बनाएंगे तो अभी से काम शुरू हो सकता है. सैफुल्ला डार वेब डिजाइनर फॉर एग्जाम्पल, ये वो होगा जो आपका टाइटल आएगा. टाइटल को आप बंद कर दें
हेड को बंद कर दें और फिर आपकी बॉडी स्टार्ट होगी और आखिर में बॉडी क्लोज और आखिर में HTML। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द HTML लैंग्वेज है जो यू शुड फॉलो इट। हर टैग जो ओपन होगा आपको बताए जाएंगे कि कुछ टैग ऐसे हैं जो बंद नहीं होते, वो सेल्फ कंटेनिंग टैग्स हैं, बाकी हर टैग आपका ओपन होगा। इसको सेव कर लीजिए, एक फाइल अपना फोल्डर बनाएं। आप लोग मुझे जो फाइल भेजेंगे एज असाइनमेंट के तौर पे, वो आप बेसिकली एक फोल्डर बनाएंगे जिसके ऊपर आप अपना नाम लिखेंगे और सेक्शन लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं वही बनाने जा रहा हूं ताकि आप लोग मुझे जब वो फाइल भेजें तो पूरा फोल्डर आपका है। लेट्स सपोज मैं यहां पे क्रिएट कर रहा हूं सैफ BCSIT समझें, ए सेक्शन। इसकी पहली फाइल का नाम आपने डिफॉल्ट रखना है और इसका आपने एक्सटेंशन याद रखें .htm या .html वैसे होती है, आप इसको सेव कर लें। अब उसको जैसे ही HTML में किया तो उसने जहां पे भी HTML में लिखेंगे उसने इसको बहुत बोल्ड अल्फाज में लिख दिया क्योंकि अभी हमने हेडिंग की है उसकी। अब यहां से आपका ये स्ट्रक्चर नहीं खराब होना चाहिए, इसको चला के देख लेते हैं। मैं एक लिखता हूं, अब एक टैग आपको बता रहा हूं इसलिए मैं कर रहा हूं H1 हेडिंग H1 सैफुल्ला डार। H1 बंद कर दें, सेव करें और जहां पे अब आपने फाइल रखी है ब्राउजर ओपन कर लें Ctrl+O। जहां पे आपने फाइल रखी है उसी फोल्डर में जाएं। ये मैंने फाइल रखी फॉर एग्जांपल, ये डिफॉल्ट ये ले। अगर आप गौर करें तो यहां सबसे ऊपर टैब पे आपका नाम आ जाना चाहिए और यहां पे टाइटल और यहां पे आपकी हेडिंग आ जानी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अच्छा अब हम बात आते हैं, आप लोगों ने यहां तक एक वेब पेज बना लिया, स्ट्रक्चर बना लिया, इसकी लुक आप अपने वेब पेज में देखेंगे तो आ जाएगी। लेकिन HTML टैग्स क्या हैं? वही जो लेस देन और ग्रेटर देन के दरमियान आप लिखते हैं, दैट वाज अ टैग। टैग नेम एक्सेप्ट फ्यू टैग, मोस्ट ऑफ द टैग आर देयर कॉरेस्पॉन्डिंग क्लोजिंग टैग। हर टैग सिर्फ चंद को छोड़ के बाकी हर टैग का एक क्लोजिंग टैग होगा, क्लोजिंग टैग उसी नाम से बैक स्लैश होगा। अगर आपने HTML नहीं दिया, हेड टाइटल बॉडी नहीं दिया। अच्छा एक तो पहली बात तो ये मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि ये जो कुछ टैग्स हैं जैसे डॉक टाइप है, HTML है, द HTML टैग इनक्लोजेस द कंप्लीट HTML डॉक्यूमेंट, तमाम डॉक्यूमेंट आपकी HTML में आनी चाहिए। हेड बॉडी टैग सब कुछ HTML का हिस्सा है। हेड टैग इसमें आप टाइटल आ सकता है, लिंक, ये जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे आपको बताते जाएंगे कि लिंक क्या चीज है, स्टाइल शीट क्या चीज है, व्हाट्स एवर। टाइटल अभी मैंने आपको कहा ये आपकी टैब के ऊपर नाम लिखा हुआ आएगा जहां से गूगल वगैरह सर्च करते हैं। बॉडी इसके अंदर अभी हम पढ़ेंगे, बहुत सारे टैग्स आएंगे, आइंदा आने वाले तमाम के तमाम टैग्स हम बॉडी टैग्स के अंदर लगाएंगे। H1 हेडिंग है और P एक पैराग्राफ है। ये बेसिकली डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर है जो आपको दिया गया है और आप ऊपर डॉक टाइप दे दें तो कंप्यूटर को पता चल जाता है कि ये HTML फाइल का वर्जन है। अगर आप ये बैक स्लैश नहीं करते अभी इसके, अब यहां पे एक बात को समझना है, मैं एक फाइल न्यू बना रहा हूं प्लीज इसकी तरफ कंसंट्रेशन कर। आप लोगों की कंसंट्रेशन क्यों नहीं हो रही इस तरफ? अब ये क्वेश्चन आप लोगों से, यहां पे गलती ना करें, इसको डॉट HTML दें या HTML आके एक्सटेंशन दें,
आप टैक्स में नहीं दे सकते। अच्छा आप मुझे ये बताएं, अगर मैं ये कुछ नहीं लिखा, मैंने मैंने इसके अंदर कोई ऐसा नहीं लिखा, सिर्फ H1 दिया, P दिया, अब मैं इसको चलाने लगा हूं, क्या ये चलेगा? जितने लोग कहते हैं यस सर, वो जरा हाथ खड़ा करें, यस सर, ये चलेगा, ये फाइल चलेगी ब्राउजर में? तो फिर आप हाथ किस पे खड़ा कर रहे हैं? जो कहते हैं ये फाइल चलेगी वो हाथ खड़ा करें, ये फाइल चलेगी, आप चल जाएगी, यू कैन सी दैट। अगर ये चल जाती है तो फिर HTML हेड टाइटल बॉडी लिखने की जरूरत क्या? पहली बात तो ये अंडरस्टैंड करें कि HTML इज नॉट अ प्योर लैंग्वेज, ये आपको कभी एरर नहीं बताएगी, ये इग्नोर कर देगी। अगर आपने इसका स्ट्रक्चर फॉलो नहीं किया तो आइंदा आने वाले जो इक्विपमेंट्स आप करेंगे, जैसे ESP.NET, PHP, CSS, JavaScripting, तो वो चीजें आप यहाँ पे इनेबल नहीं कर सकते। इसलिए आपको स्ट्रक्चर देना शुरू से एडवाइस किया जाता है कि वो आपको होना चाहिए, ताकि आप मुख्तलिफ जगहों पे इसको प्लेस कर सकें। लेकिन ये भी अपनी जबान में रखिए कि HTML इज नॉट अ प्योर लैंग्वेज, जो प्योर लैंग्वेज है वो सी है, जावा है, ASP.NET है, PHP है, ये सारी लैंग्वेजेज जो आपको एरर दे वो प्योर लैंग्वेजेज हैं। और इसीलिए ये टैग लैंग्वेज है, टैग लैंग्वेज या तो पढ़ती है, मार्क करती है, या इग्नोर कर देती है, इसके अलावा और कुछ नहीं करेगी, ये याद रखना है। इसलिए ये फाइल, अगर एक्सटेंशन आपने .html दी हुई है तो ये फाइल लाजमन चलेगी। आपके टैग सही हैं, गलत हैं, आपकी लुक वैसे नहीं बन रही, तो ये आपका मसला है, आपने देखना है कि टैग आपने सही लगाया या गलत लगाया, इसका काम नहीं है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।